दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों आज पूरे देश भर से कई सारी बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही है। दोस्तों एक एक करके इन खबरों की जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों उससे पहले आप सभी को बता दें, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर से दबाएं। तो चलिए दोस्तों पहले अपडेट की बात करते हैं। तीसरी लहर पर सरकार की बड़ी चेतावनी, कोरोना की थर्ड वेव जरूर आएगी पर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी अभी नहीं बता सकते। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच सरकार ने इसकी तीसरी लहर के बारे में चेतावनी दी है। सरकार के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का संक्रमण अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। अभी यह तय नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। राघवन ने बुधवार को कोरोना की स्थिति पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें बोल रहे थे। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। कोरोना बुलेटिन, देश में रोज 2.4% बढ़ रहे मामले, 12 राज्यों में 1,00,000 से अधिक सक्रिय मरीज। जी दोस्तों, देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक इस खतरनाक महामारी से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी देते हुए बताया कि देश में हर रोज कोरोना के मामलों में 2.4% की बढ़ोतरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में 3,82,315 मामले दर्ज किए गए हैं। 12 राज्य ऐसे हैं जहां 1,00,000 से ज्यादा सक्रिय मामले हैं। 50,000 से 1,00,000 सक्रिय मामले 7 राज्यों में हैं और 50,000 से कम सक्रिय मामले 17 राज्यों में हैं। उन्होंने कहा कि देश में 24 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है और 5 से 15% पॉजिटिविटी रेट 10 राज्यों में है, 5% से कम पॉजिटिविटी रेट 3 राज्यों में है। दोस्तों आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार द्वारा 16 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की खुराक अब तक देश भर में मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 9 राज्यों में अब तक 6.71 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। बंगाल हिंसा पर बोले नड्डा, हाथों में खून के साथ ममता ने शुरू किया तीसरा कार्यकाल। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद राज्य में हुई हिंसा की घटनाओं को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुधवार को ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस पर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि जिस तरह नरसंहार हुआ, क्रूरता से हत्याएं की गई, जिस तरह कार्यकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 36 घंटों तक शांत रही, यह बताता है कि इसमें उनकी संलिप्तता है। ममता जी का मौन उनकी संलिप्तता के बारे में बताता है और उन्होंने अपना तीसरा कार्यकाल अपने हाथों में खून के साथ शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। वायुसेना की बढ़ेगी ताकत, 3 और राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से भारत के लिए हुआ रवाना। जी दोस्तों, भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए 3 और राफेल लड़ाकू विमान बुधवार को फ्रांस से भारत के लिए रवाना हो गया है। इस बात की जानकारी फ्रांस के भारतीय दूतावास ने ट्वीट कर दी है। यह तीनों राफेल विमान फ्रांस के मेरिगनेक बोर्डो एयरबेस से भारत उड़ान भरे हैं और ये आज देर शाम तक भारत में जामगढ़ एयरबेस पर लैंड करेंगे। जामगढ़ में लैंड करने के बाद ये विमान अम्बाला के लिए उड़ान भरेंगे। 3 और राफेल विमानों के शामिल होने से इसकी कुल संख्या 20 पर पहुंच जाएगी। दोस्तों आपको बता दें, वहीं भारतीय वायुसेना ने बताया कि यह राफेल एयरक्राफ्ट का 6ठा बैच है जो फ्रांस से 8,000 किलोमीटर की दूरी तय कर भारत पहुंचेगा। इस दौरान रास्ते में आसमान में ही फ्रांस और यूएई की वायुसेना के जवान जेट में ईंधन भरेंगे। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। ममता की पहली फ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस, बंगाल में मास्क पहनना अनिवार्य, केंद्र से मांगी टीके की 3 करोड़ डोज। जी दोस्तों, पश्चिम बंगाल के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ममता बनर्जी ने प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई है। ममता बनर्जी ने महामारी की रोकथाम के लिए अधिकारियों के साथ बातचीत की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार से 3 करोड़ वैक्सीन डोज की मांग की है। साथ ही ममता ने कोरोना से बचने के लिए लोगों से मास्क पहनने की अपील की है। उन्होंने मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। दोस्तों आपको बता दें, ममता बनर्जी ने बताया कि राज्य में पत्रकार, ट्रांसपोर्टर्स और हॉकर्स को वैक्सीन की पहली डोज जाएगी। राज्य सरकार की निजी सेक्टर में काम करने वालों को 50% लोगों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दी गई है। साथ ही ज्वेलरी दुकानों को दोपहर 12 से 3 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश, 10वीं कक्षा के 1.5 लाख छात्र किए गए प्रमोट, 7 मई से लगेगा कोरोना कर्फ्यू। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में अहम फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सभी सरकारी और निजी कार्यालय 7 मई 2021 से 16 मई 2021 की मध्य रात्रि तक बंद रहेंगे। स्वास्थ्य, बिजली, दूरसंचार, जल आपूर्ति, स्वच्छता आदि सभी सेवाएं खुली रहेंगी। हिमाचल प्रदेश राइज स्कूल शिक्षा बोर्ड की 10वीं
की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। सरकार ने सीबीएसई की तर्ज पर 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले 1.16 लाख विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फैसला लिया है। बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया है। सरकार ने 12वीं कक्षा और कॉलेजों की वार्षिक परीक्षाओं को आगामी आदेश तक निलंबित करने का फैसला भी लिया है। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ा हादसा, लखनऊ के ऑक्सीजन प्लांट में सिलेंडर रिफिलिंग के दौरान ब्लास्ट, 3 की मौत, 7 लोग घायल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बुधवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां देवा रोड स्थित केटी ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट के चलते 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग घायल हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। दोस्तों आपको बता दें, एसीपी विभूति खंड परवीन मलिक के अनुसार ऑक्सीजन प्लांट पर यह हादसा रिफिलिंग के दौरान लीकेज की वजह से हुआ। मृतकों में एक प्लांट का कर्मचारी और दूसरा फीलिंग के लिए आया व्यक्ति शामिल है। पुलिस कमिश्नर ने हादसे की जांच के आदेश दिए हैं। तो चलिए दोस्तों अगले अपडेट की बात करते हैं। पहली बार शपथ में नसीहत, राज्यपाल ने कहा बंगाल में हिंसा तुरंत बंद हो। दीदी का जवाब अब तक चुनाव आयोग के हवाले था बंगाल। जी दोस्तों, ममता बनर्जी फिर मुख्यमंत्री बन गई हैं। उन्होंने बुधवार को शपथ ले ली। ये तीसरी बार है जब वे बंगाल की कमान संभाल रही है, पर इस दौरान रोचक वाक्य हुआ। शपथ के दरमियान मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच कहासुनी हुई। दोस्तों आपको बता दें, समय सुबह 10:30 बजे ममता बनर्जी टाउन हॉल पहुंची। 15 मिनट बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ आए। करीब 5 मिनट बाद ममता के साथ शपथ दिलाई गई। फिर दोनों के बीच औपचारिक अभिवादन की परंपरा निभाई गई। धनखड़ ने ममता के गुलदस्ता दिया। ममता ने कुछ दस्तखत किए और सीधे मीडिया के सामने आ गई। दोस्तों आज का ये मुख्य समाचार यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल जरूर रखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपका दिन शुभ हो।